ए आकाशवाणी जम्मू है सन्या खबरें सुंदा स्वागत पहले खास खास खबरें कन्ने मैं श्रुति खजूरिया कुपवाड़ा जिले दे माचिल सेक्टर च सुरक्षा बलें घुसपैठ की बड़ी कोशिश की नाकाम बनांदे होई त्रै आतंकवादियों की मारी मकाया टाकरे च फौज दे एक अधिकारी दो जवान ते बीएसएफ दे एक जवान भी शहीद होई गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना होरें आखिया जे मुखधारा दियां सियासी पार्टियां पासिया बनाया गेदा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिकलरेशन का मकसद खिते च रमानदारी ते विकास बाद्दे आली प्रक्रिया च खलल पाना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें आखिया जे पुलिस पासिया जम्मू कश्मीर च जिला विकास काउंसलें दे चुनां लई साजगार माहौल कायम किया जाए ते जम्मू कश्मीर च छे छे महीने आले होने आला दरबार मूव दे सिलसिले च सिविल सैक्रेटरी दे दफ्तर कल्ले थमां जम्मू च परतियै खुलगन। खबरें दी तफसील कन्ने विजय बजाज। कुपवाड़ा जिले के माचिल सैक्टर च कब्जा रेखा कश छिड़े दे एक जबरदस्त टाकरे च सुरक्षा बलें दे जवानें त्रऊं आतंकवादियों की मारी मुकाया। टाकरे दौरान फौज के एक अधिकारी ते दौं जवान शहीद भी होए ते दौं जवान जख्मी होए ने। फौज के एक प्रवक्ता मुजब जंदी राती तकरीबन 1 बजे बीएसएफ के गश्ती दल ने कब्जा रेखा पर किश संदिग्ध नकलो हरकत दिखी। दौनें पक्षी दी हुई गोलीबारी च एक आतंकवादी मारिया गया ते बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। प्रवक्ता मुजब बडलै 4 बजे गोलीबारी बंद हो गई। वादू जवानों की फौरन इलाके च भेजा गया जिदे मगरा एक बारी भी आतंकवादियों कने टाकरा भखी पिया। इस दौरान सुरक्षा बलें दऊं होर आतंकवादियों की मारी मुकाया। इस पूरी कार्रवाई च फौज के एक अफसर ते दऊं जवान शहीद होए ते बीएसएफ का भी एक जवान शहीद हो गया। जख्मी जवानों की उत्थों कड्डी लिता गया है। अभियान अजे जारी है। उआं होर ब्यौरे की बलगया जा करता है। कुपवाड़ा जिले के माचिल सैक्टर च सुरक्षा बलें पासिया नाकाम की गई घुसपैठ की यह इस बरे की दूई सभने शा वड्डी कोशिश ही। रक्षा महकमे के एक सीनियर अधिकारी मुजब घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकवादी दौं ग्रुपें च हे ते ओह भारी हथियारें कन्नै लैस भी है। अधिकारी ने यह भी दस्सिया जे यां ते किश आतंकवादी अजे भी इलाके च छप्पे दे न यां फी किश आतंकवादी वापस बन्ने पार नस्सी गए न। आतंकवादियों कल राती अनंतनाग च पुलिस चौकी पर एक ग्रनेड सुटिया। आतंकवादियों अनंतनाग आले बस अड्डे पर पुलिस चौकी पर ग्रनेड हमला किया। उआं एक ग्रनेड निशाने पर जाइए नहीं पिया। इस ग्रनेड हमले च कुसै चाली का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर खड़ोते दे लोग धमाके की आवाज सुनिए नसन लगी पे। एदी आवाज पूरे कस्बे च सुनौची। मगरा सुरक्षा बलें इलाके च तपाशी अभियान चलाया पर नेरे दा फायदा ठुआंदे होई आतंकवादी उत्थुआं नसने च कामयाब होई गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना होरें दोष लाया जे केंद्र शासित प्रदेश दियें मुख धारा दी सियासी पार्टियें पासिया कायम कीते गए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिकलरेशन दा मकसद खिते च रमानदारी ते विकास आले कम्में च खलल पाना है। जम्मू कश्मीर च हालिया सियासी घटनाएं ते संगठन कन्नै जुड़े दे मामले उपर चर्चा लई रैना होर उधमपुर गए हे। इस मौके मीडिया कन्नै गल करते हुए रविंदर रैना होरें गलाया जे बीजेपी गुपकार गैंग दा पूरा पर्दाफाश करोग। रैना होरें इब्बी गलाया जे हाल दियां घटनाएं नैशनल कांफ्रेंस पीडीपी ते कांग्रेस की पूरी चाली बेनकाब कर दित्ता है। रैना होरें गलाया जे इन्हें पार्टियें दी कथित राष्ट्र विरोधी सोच की आम लोग कदे भी कामयाब नहीं होने देंगन। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले विधान परिषद के जो चुनाव है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पूरी ताकत के साथ हम ये चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इन चुनावों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हम जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी पूरी ताकत के साथ इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने हमेशा पंचायती राज सिस्टम को कुचला है। मोदी सरकार ने पंचायती राज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता और आखिया जे गुपकार गैंग की लड़ाई छड़ी सत्ता च परतियै आने ते अपने निजी सियासी फायदे परतियै हासिल करने आस्ते गया है। गुप्ता और आखिया जे इन्हें लोगों की जम्मू कश्मीर की बेदोसी जनता ते नौजवानों के भविख की कोई चिंता नहीं है। श्रीनगर च लोआए गए एक संवाददाता सम्मेलन दौरान विबोध गुप्ता होरें गलाया जे जिला विकास काउंसलें दे आउंदे चुनाएं गी लेइयै इन्हें दिनें कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी दे लीडरें ते कार्यकर्ताएं अंदर बड़ा मता उत्साह है। उन्हें गलाया जे इह जम्मू कश्मीर दे लोकें लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी सोच दा गै नतीजा है। इस मौके पर विबोध गुप्ता होरें पार्टी लीडरें ते कार्यकर्ताएं गी आखिया जे उह सख्त मेहनत करियै इस गल्ला गी यकीनी बनान जे सभने सीटें पर उंदी पार्टी दे मेदवारें गी जित्त हासल होए। विबोध होरें कश्मीर लई बीजेपी की रूपरेखा पर भी लोह पाई ते दस्सिया जे कश्मीर दा विकास रमानदारी ते बच्चें दी शिक्षा उंदी पार्टी दी मुख प्राथमिकताएं च शामिल न।
पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें आखेआ जे पुलिस जम्मू कश्मीर च रमानदारी आह्ले म्हौल च जिला विकास काउंसलें दे चुनां करोआने च अपनी भूमिका अदा करोग। उनें आखेआ जे पुलिस जम्मू कश्मीर च शांतिपूर्ण म्हौल कायम करना चाहंदी ऐ ते शांतिपूर्ण म्हौल गी होर बी बेह्तर ते साजगार बनाना चाहंदी ऐ। उनें गलाया जे साढ़े नौजवान जम्मू कश्मीर च रमानदारी ब्हाल करने च महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी सकदे न। एह् गल्ल डीजीपी होरें कठुआ दे स्पोर्ट्स स्टेडियम च आयोजित हाफ मैराथन आह्ले कार्यक्रम च इनाम बंडने मगरा मीडिया गी बक्खरे तौर उप्पर संबोधित करदे होई आखी। डीजीपी होरें जम्मू कश्मीर पुलिस पासेआ स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ च आयोजित हाफ मैराथन दे जेतुएं च नगद इनाम ते तगमे भी बंडे। एक चुनौती जो है ये जो लोगों की बेहतरी लोगों के भले के लिए हो रही है, ये इवेंट सबके लिए है, आम लोगों के लिए है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चुनावों को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योर माहौल में कनेक्ट किया जाएगा और पुलिस बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के इस चुनौती को भी अच्छे से मजबूती से डील करने में कामयाब रहे। हम सिक्योर माहौल देना चाहते हैं और माहौल पहले के मुकाबले में बहुत सिक्योर है, इसको और सिक्योर बनाने की कोशिश की जाएगी। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना'रदे ओ। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै श्रुति खजूरिया। जम्मू कश्मीर च छे छे म्हीने होने आह्ले दरबार मूव दे सिलसिले च सिविल सैक्रेटरी दे दफ्तर कल्लै थमां जम्मू च परतियै खुलगन। हफ्ते च पंज ध्याड़े कम्म करने आह्ले सरकारी दफ्तर जंदी 3 अक्तूबर गी श्रीनगर च बंद होई गे हे, जिसलै कि हफ्ते च 6 दिन कम्म करने आह्ले सरकारी दफ्तर जंदी 31 अक्तूबर गी बंद होए। दरबार मूव दियें गड्डियें ते मुलाजमें गी श्रीनगर थमां जम्मू आने लेई कीती गेदी व्यवस्था दे सिलसिले च अज्ज उपरोतली दुए रोज भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर गड्डियें गी छड़ी इक तरफा आओ जाई यानी गड्डियें गी छड़ा श्रीनगर थमां जम्मू बक्खी औने दी खुल दित्ती गई। बच्चें दी लम्मी उम्र ते सेहतमंद जीवन दी मंगल कामना, परिवार च सुख समृद्धि ते खुशहाली आस्तै अहोई माता ते पार्वती माता दा व्रत ते पूजन डुग्गर प्रदेश जम्मू दी दुनिया थाह्रा आह्ला लेखा उधमपुर च वी रिवायती तौर तरीके कन्नै मनाया गया। अज्जै दे दिन महिला व्रत रखदियां ते अपने न्याणे दी सलामती ते खुशहाली दी कामना करदियां। एह् व्रत कार्तिक महीने दी कृष्ण पक्ष दी अष्टमी गी आंदा ऐ। इस दिन महिला निर्जल व्रत रखदियां, संझा लै कंधा उप्पर ओही माता दा चित्र बनाइयै ओह्दी पूजा करदियां, चंद्रमा गी अर्घ देने परंत गै रुट्टी खंदियां। मेरा नाम निर्मल मैंगी है। आज श्री अहोई अष्टमी है। आज के दिन सभी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। मुझे अपने बच्चों और पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है और ये सदियों से पुराना त्योहार चलता आ रहा है। इसमें सुट्टू बुट्टू बनाए जाते हैं, मक्की की रोटी, सब कुछ रखा जाता है और जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं वो भी अपनी मनोकामना रखते हैं कि हमारे घर में बच्चे हों और सिर्फ अहोई अष्टमी का व्रत दीपावली से पहले आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बीजेपी दे सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी हुंदे कन्नै अज्ज उंदी कोठी जाइयै मुलाकात कीती ते उनेंगी उंदे 93 जन्म ध्याड़े दियां मुबारखां दित्तियां। गृहमंत्री अमित शाह ते बीजेपी दे प्रधान जेपी नड्डा होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे। गृहमंत्री अमित शाह होरें बी आडवाणी होरें गी उंदे जन्म ध्याड़े दियां मुबारखां दित्तियां। उनें गलाया जे आडवाणी होरें अपने सख्त मेहनत ते बिजन स्वार्थ आह्ली सेवा दे राय ना छड़ा देश दे विकास च बड़ा योगदान दिता, सगुआं उनें बीजेपी दी राष्ट्रवादी विचारधारा ते विस्तार च भी बड़ी महत्व आह्ली भूमिका निभाई। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें भी आडवाणी होरें गी उंदे जन्मदिन दे मौके पर मुबारकबाद दित्ती। देशा च कोरोना थमां ठीक होने आह्लें दी दर हुन सुधरियै 92.49% तक जाई पुज्जी ऐ। सेहत मंत्रालय मताबक पिछले 24 घंटे दौरान 49,000 शा मते कसरी नरोए होए। अजें तकर मुल्खै च 78,68,000 शा मते कसरी इस वायरस थमां नरोए होई गेदे न। एल्लै देशा च सक्रिय मामले दी गिनतरी करीबन 5,12,000 दे कोल कल ऐ। मेडिकल शोध सरबंधी भारतीय काउंसिल मताबक पिछले 24 घंटे दौरान देशा च 11,94,000 शा मते नमूने की जांच की गई। अजे तकर मुल्खै च 11,77,00,000 नमूने की जांच करी लैती गई है। पाकिस्तानी बलें कल कठुआ जिले आले अंतर्राष्ट्रीय बन्ने कन्नै लगदे केतरी चौकी ते रिहायशी इलाकें गी निशाना बनांदे होई गोलीबारी की। बन्ने पारा समां राती 9:05 पर करोल कृष्णा ते मनियारी आली अगेतरी चौकियां पर बिजनुक साबे दी गोलीबारी की गई। गोलीबारी बड्डे 5:05 तक जारी रही। बन्ने पर तैनात सुरक्षा बलें भी इस गोलीबारी का बनकदा परता दिता। भारत आली पेठा इस गोलीबारी च कुसै चाली दे जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। बन्ने आले इलाके च रौहने आले लोकें दा गलाना है जो पाकिस्तान बलें आसेआ राती वेले रिहायशी इलाकें गी निशाना बनाइयै बनाया जा'रदा ऐ ते मनियारी दे किश वसनीकें गलाया जे ओह् लगातार डर त्राह् आह्ले माहौल च रवा करदे न ते रात उनेंगी मजबूरन बंकरें च बितानी पवा करदी ऐ। पुंछ जिले दी हवेली तहसील दे कलाई ग्रां आले जंगलाती इलाके च अग लगी गई। साढ़े पुंछ आले संवाददाता अनुभव मिस्री ने जानकारी दित्ती ऐ जे कल संझा जंगले च अग लगी गई जेह्दे करी जंगले ते जंगलाती चीजें का बड़ा मता नुकसान हुआ। मौसम
श्रीनगर जल्दी राती सियाली आली इस रुते दी सबने शरण ठंडी रात रही जिसले कि घट्टो घट तापमान मनफी 1.4 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया जेड़ा जे सामान्य को 3.2 डिग्री सैलसीयस घट हा। तुआई केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ते मकबूजा कश्मीर दे स्कार्दू इलाके च मते सारे जल स्रोत तापमान 0 कोला घट होने करी जमी गेदे ने। मौसम विभाग के प्रवक्ता मुताबक जम्मू कश्मीर लद्दाख ते गिलगित बाल्टिस्तान च अगले 24 घंटे के दौरान मौसम आम तौर पर शुष्क रोक ते अगले 48 घंटे दौरान मौसम च भी कोई बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं है। उहां प्रवक्ता ने भी आख्या जो जम्मू कश्मीर लद्दाख ते गिलगित बाल्टिस्तान च आउंदी 13 नवंबर की बरखा की संभावना है। अखीर च खास खास खबरां एक बारी पढ़ती है। कुपवाड़ा जिले के माछिल सैक्टर च सुरक्षा बलें घुसपैठ की बड़ी कोशिश की नाकाम बनाते हुए 3 आतंकवादियों की मारी मकाया। टाकरे च फौज के एक अधिकारी 2 जवान ते BSF का 1 जवान भी शहीद हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना और आख्या जो मुख्यधारा सियासी पार्टियां पासिया बनाया गया पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन का मकसद खिते च रमानदारी ते विकास वादे आली प्रक्रिया च खलल पाना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें आख्या जो पुलिस पासिया जम्मू कश्मीर च जिला विकास काउंसिल के चुनाव लिए साजगार माहौल कायम किया जा ते जम्मू कश्मीर च 6-6 महीने होने वाले दरबार मूव के सिलसिले च सिविल सैक्ट्रेट के दफ्तर कल थमां जम्मू च परतियै खुलगन। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।